वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सुखी होने का तरीका क्या है। ये क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि सुखी होने का तरीका क्या है, क्योंकि जैसे हम जिंदगी जीते हैं, जिस भी घर परिवार में हम पैदा हुए, चाहे जो भी हमें संस्कार प्राप्त हो गए, परंतु एट द फाइनल सब सुख ही ढूंढ रहे हैं। सुख की चेष्टा है सबको। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है, ऐसा मनुष्य नहीं है जो सुख नहीं चाह रहा, जो शांति नहीं चाह रहा। तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी कोट है कि सुखी होने का तरीका क्या है। सुखी होने का तरीका है, पहला, मुस्कुराना, मुस्कुराते रहिए। दूसरा, शुक्राना, हमेशा शुक्रिया अदा करते रहिए। और तीसरा, किसी का दिल ना दुखाना। अगर ये तीन तरीके, ये तीन बातें अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, तो पक्का है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। और लोग भी सुखी हो जाएगा, पर लोग भी सुहेला हो जाएगा। तीन बातें बस इसको फिर से दोहरा रहा है कि पहला, मुस्कुराना, दूसरा, शुक्राना, और तीसरा, किसी का दिल ना दुखाना। परंतु यहां पर अक्सर लोग कहेंगे कि हम तो नहीं किसी का दिल दुखाते, परंतु कोई हमारा दिल दुखाए तो क्या करें। अगर आपका कोई दिल दुखाए, बार बार आपको परेशान करे, उसको फिर भी दुआ देते हुए अपना रास्ता अलग कर लेना, वो ज्यादा अच्छा है। परंतु अपने मुखारबिंद से कभी भी किसी को भी बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं कहना, किसी को अपशब्द नहीं कहने, सबके लिए भले की ही कामना रखनी है। वो वक्त है, वो कुछ देर है, कुछ देर के पल हैं जो गुजर जाएंगे। अगर हम शुक्राना करते रहेंगे, उदास को फिर वो बात याद आ रही है कि एक चिड़िया थी, बहुत दुखी थी, ना उसके पास खाने को था, ना पीने को था, ना रहने को जगह थी। एक रेगिस्तान में घूम रही थी, गर्मी का मौसम। तो वहां से कोई भगत गुजरता है, एक शिष्य गुजरता है। तो शिष्य के पास, इस भगत के पास वो जाती है, वो कहती है कि भगत जी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है कि मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूं। चिड़िया कहती है कि अगर आप गुरु से मिलने जा रहे हैं, तो कृपा करके उनसे पूछिएगा कि मेरी किस्मत में क्या रोना ही लिखा है, क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, क्या मैं ऐसी ही तड़पती रहूंगी। वो भगत जी कहते हैं कि ठीक है, मैं अवश्य ही आपकी बात अपने गुरु के सामने रखूंगा। तो भगत जी चल देते हैं, और जो अपने गुरु के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे चिड़िया मुझे मिली थी रास्ते में, तो कृपा करके आप मुझे बताइए कि उसको क्या कहना है, उसको क्या जवाब देना है। आगे गुरु जी कहते हैं कि उसको कहना कि तेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है, परंतु शुक्र शुक्र किया कर। वो भगत जी वो जवाब सुनते हैं और वापस चले जाते हैं, और चिड़िया को जाके कह देते हैं कि गुरुजी ने कहा है कि तेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है, परंतु शुक्र शुक्र किया करे। और वहां से वो चल देते हैं। कुछ वक्त बीतता है,
वापस भगत जी का उसी रास्ते पर जाना होता है। तो वो देखते हैं कि वही चिड़िया है, चहचहा रही है, खुश है अपने दोस्तों के संग, सब कुछ उसको खाने पीने को मिल रहा है, बहुत खुश है। तो हैरान हो जाते कि ये क्या हुआ कि गुरुजी ने तो कहा था कि उसकी किस्मत में तो रोना ही लिखा है, तो ये मैं क्या देख रहा हूं। तो वो उसी वक्त अपने गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी आपने तो कहा था कि उसकी किस्मत में रोना ही लिखा है, कि मैं तो कुछ और देख कर आ रहा हूं। गुरुजी उसको पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये भी कहा था कि शुक्र शुक्र किया करो। तो जिस दिन आपने चिड़िया को ये बात बताई तो तब से वो शुक्रिया अदा ही करती है कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। वो दुख में भी शुक्रिया अदा कर रही है, सुख में भी शुक्रिया अदा कर रही है। जो दुख और सुख को एक मानकर शुक्रिया अदा करता है तो दातार कृपा करता है उस पर, निश्चित ही कृपा करता है, क्योंकि हम सब प्रभु के बच्चे हैं। एक नॉर्मल सी एग्जांपल, अगर परिवार में दो बच्चे हैं और बच्चों के जो माता पिता हैं उनको जो भी उनको दे रहे हैं, जो भी खाने पीने को दे रहे हैं, अगर उनमें से एक बच्चा कहे कि मुझे और चाहिए, ना तो शुक्राना करे और जो ना मिले उसके लिए रोना धोना करे, और दूसरी तरफ एक बच्चा है उसको जो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको, उसका वो शुक्राना कर रहा है, थैंक्स कर रहा है ईश्वर का कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। तो हम देखें कि माता पिता किस बच्चे पर खुश होंगे ज्यादा, अवश्य ही उस बच्चे पर खुश होंगे जो हमेशा शुक्राने में है और उसको आगे का अपनी संपत्ति भी उसी बच्चे को देंगे, क्योंकि उसका कारण है जब वो संपत्ति माता पिता आगे देते हैं तो ये सोच के देंगे कि ये बच्चा जो शुक्राना करता है ये संसार में भी यही मैसेज देगा। भगत का तो रोल एक ही है, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं हमारा एक मैसेज आता है संसार में कि हम शुक्राना करते हैं या दुखड़ा रोते हैं। शुक्राना ही करना है हर स्थिति में, क्योंकि जहां कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा में ही हो रहा है। कहते हैं ना कि इसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, वाकई पत्ता नहीं हिलता, वाकई ही पत्ता नहीं हिलता। तो हर वक्त इसका शुक्राना ही करते चले जाना है, चाहे आप इसको जानते हैं या नहीं जान रहे, सिर्फ कहना है तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। चाहे आप किसी प्रकार का भी सिमरन करते हैं उसके बाद आपको एक ही बात कहनी है कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। क्योंकि समय का मूल मंत्र ही यही है कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। शुक्राना ही भक्ति है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसलिए आज दासोर वक्त नहीं लेगा और अंत में ही कहेगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।